Hello students, today we will discuss seven crystal system. This is related in chapter solid state. सात crystal तन सबसे पहले आप seven crystal system के बारे में पढ़ेंगे. Seven crystal system यानी जो हमारे symmetry के base पे होते हैं वो 230 forms हमारी crystal की possible होते हैं. ठीक है, लेकिन हमारे जो seven crystal system है उन्हीं में से किसी एक के modification से हमारे ये 230 स्ट्रक्चर्स हमारे फॉर्म्ड होते हैं. तो अगर आपको सेवन क्रिस्टल सिस्टम लर्न होंगे तो आप किसी भी स्ट्रक्चर को आराम से इजली से आप बता सकते हो कि कौन सी फॉर्म से मॉडिफाई होके बना है, जिससे आप उसकी एक्सल डिस्टेंस, एक्सल एंगल्स, एग्जांपल्स बता सकते हो. तो सबसे पहले आपको पता था, आप पढ़ चुके हो, यूनिट सेल में पैरामीटर्स होते हैं, वो हमारे कितने पैरामीटर प्रेजेंट है, हमारे सिक्स पैरामीटर्स है. सिक्स पैरामीटर में हमारी एज लेंथ थी, जो कि हमारी क्या थी, ए, बी और सी. ठीक है, एंगल्स आप कैसे बनाओगे, आप एंगल बनाओगे बी और सी. जो हमारे एंगल्स होते हैं वो एक्सल एंगल्स हमारे क्या होते हैं, अल्फा, बीटा और गामा होते हैं. तो अब बी मतलब बीटा, सी मतलब आप ले लोगे गामा. तो यहाँ पे कौन सा नहीं है, अल्फा नहीं है, तो यहाँ पे एंगल क्या आ जाएगा, हमारा अल्फा आ जाएगा. ठीक है, ऐसे आपका यहाँ पे करोगे स्टार्ट ए और बी. ठीक है, ए अल्फा, बी बीटा, तो यहाँ पे कौन सा एंगल नहीं है, हमारा गामा नहीं है, तो आप यहाँ पे गामा बना दोगे. आपको ऐसे इससे इजी वे से आप लर्न कर सकते हो. ए और सी, ए अल्फा, सी गामा, तो यहाँ पे कौन सा नहीं है, आपके पास बीटा नहीं है, तो आपका बीटा. तो आपके पास कितने पैरामीटर्स हो गए, सिक्स. ठीक है, एक्सेल डिस्टेंस आपकी कितनी है, आप ऐसे बना लोगे, थ्री हैं, वो हमारे ए, बी और सी हैं. और एक्सेल एंगल्स आपके पास अल्फा, बीटा और गामा. अब इसी के हेल्प से आप लर्न करोगे. आपको पता होना चाहिए कि किस सिस्टम में क्या एक्सेल डिस्टेंस होती है और क्या हमारे एक्सेल एंगल्स प्रेजेंट होते हैं, और उनके एग्जांपल्स आपको लर्न करने पड़ेंगे. वो मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक बता रही हूँ, क्रिस्टल सिस्टम को आप कैसे लर्न करोगे इसकी ट्रिक की बताई जाएगी, एंगल्स की भी ट्रिक बताई जाएगी, लेकिन जो एग्जांपल्स है वो आपको मेमोराइज करने पड़ेंगे, वो आपको याद करने पड़ेंगे. ठीक है, तो आप फर्स्ट हम क्रिस्टल सिस्टम की ट्रिक है हमारे पास, आप ऐसे लर्न करोगे सी. सी से हमारा क्या बनेगा, क्यूबिक. फिर टी ओ एम, ये आपको पता है, ये नेम जैसा साउंड हो रहा, टोम, सी टोम, और फिर आएगा टी एच आर. आप इसी ऑर्डर में लर्न कर लें, सी टोम टीचर. ठीक है, तो सी से हमारा क्या होगा, फर्स्टली आप बनाना स्टार्ट करो अपने स्ट्रक्चर. सी से हमारा क्या होगा, क्यूबिक. ठीक है, और आप इनको हिंदी में भी लिखोगे. हिंदी में लिखने से क्या होगा वो मैं आपको अभी बताऊंगी. हिंदी में लिखने से आपको सभी चीजें क्लियर होते चले जाएंगे कि इसमें एज लेंथ कितनी होगी, और मतलब इक्वल होंगी या फिर अनइक्वल होंगी, और एक्सेल एंगल इक्वल होंगे या फिर अनइक्वल होंगे, 90 होगा या 90 से अबव होगा, ये सब आप इजी से लर्न कर सकते हो. तो क्रिस्टल सिस्टम में फर्स्ट है हमारा क्यूबिक, सी मतलब क्यूबिक. टी, टी से हमारा क्या होगा, टेट्रागोनल, टेट्रागोनल. ओ से हमारा क्या होगा, ऑर्थोरोम्बिक. एम से हमारा क्या होगा, मोनोक्लिनिक. एम से क्या होगा हमारा, मोनोक्लिनिक. फिर आएगा अगेन टी आएगा, टी से हमारा क्या होगा, ट्राई क्लिनिक. मोनो, मोनो के बाद हमारा ट्राई आ जाएगा, ट्राई क्लिनिक. एच, एच मतलब हेक्सागोनल, ये सबसे सबसे डिफरेंट है, आराम से आपको लर्न हो जाएगा, हेक्सागोनल. और आर से क्या होगा आपका, रोम्बोहेड्रल. आर से आपका रोम्बोहेड्रल, या फिर आप इसे क्या बोल सकते हो, ट्राइगोनल. तो आपके कितने सिस्टम आपको पता चल गए, आप सेवन थे. अब इसके आप नाम अब हिंदी में भी लिखोगे, जिससे कि आपको इजी से पता चल सके कि कौन सी कैटेगरी में कौन सा आता है. क्यूबिक मतलब घन्य,
क्यूब में आपको पता है सारी साइड जो होती है वो हमारे क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। टेट्रागोनल मतलब द्विसम लंबाक्ष, द्विसम ठीक है। ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक क्या होगा, विषम लंबाक्ष। मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक क्या होगा, एक नताक्ष ठीक है। ट्राइक्लिनिक आपका, जैसे ये एक नताक्ष है ये क्या हो जाएगा, त्रि। हेक्सागोनल, नेक्स्ट हमारा है हेक्सागोनल। हेक्सा तो नेम से पता है, हेक्सा मतलब सिक्स साइड है हमारे, तो क्या होगा, सेट कोणीय। ठीक है, रोम्बोहाइड्रल मतलब थ्री सम, थ्री सम नताक्ष। तो ऐसे आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में नाम लर्न होने चाहिए। अब आप फर्स्ट स्टार्ट करना स्टार्ट करेंगे फिर से। फर्स्ट आप हमारा क्या है, घन्य। घन्य मतलब क्यूब, आप क्यूब आप पढ़ चुके हो, क्यूब में आपका क्या था, घन्य में पॉसिबल वेरिएशन आप पढ़ चुके हो। आपने कौन कौन सी पढ़ी है पॉसिबल वेरिएशन, इसमें क्या हो सकते हैं हमारी, सिंपल क्यूबिक यानी प्रिमिटिव, बीसीसी, एफसीसी और हमारा फर्स्ट हमारा ये हो गया, सेकंड ये हो गया हमारा, थर्ड ये, यानी हमारी कितनी वेरिएशन इसमें पॉसिबल है, थ्री ठीक है। इसमें हमारे थ्री वेरिएशन पॉसिबल है। अब एक्सल डिस्टेंस लर्न करने का, क्यूब, क्यूब आपको पता है उसकी सारी साइड हमारी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। बीसीसी एफसीसी आप स्ट्रक्चर पढ़ भी चुके हो, तो आप क्या लिखोगे, एज लेंथ इज ए इक्वल बी इक्वल सी ठीक है। सेकेंड आपका आता है टेट्रागोनल। टेट्रागोनल में आप ऐसे करना स्टार्ट करो, द्विसम यानी जो दो साइड है वो हमारी इक्वल है, अलंबाक्ष मतलब परपेंडिकुलर है ये, तो परपेंडिकुलर में कितना एंगल होता है हमारा, 90 डिग्री। तो आप इसे क्या लिख सकते हो, 90 डिग्री लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पे इसको, ये सेकंड वाला एक्सल एंगल वाला पोर्शन अभी बाद में बताऊंगी, पहले अभी एक्सल डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। तो इस एक्सल डिस्टेंस में इसमें जो होंगे हमारे, वो हमारा क्या होगा, पॉसिबल तो टेट्रागोनल में कितनी पॉसिबल वेरिएशन हो सकती है, ओनली टू हो सकते हैं, फर्स्ट हमारा प्रिमिटिव और सेकेंड हमारा जो होगा वो हमारा बीसीसी होगा। तो आप लिखोगे फर्स्ट वेरिएशन इसमें प्रिमिटिव और सेकंड जो है आपका होगा बीसीसी, यानी कि कितनी पॉसिबल वेरिएशन है, सिर्फ टू है हमारी ठीक है। नेक्स्ट अगर हम इसका मैंने एक्सल डिस्टेंस कैसे लर्न करोगे, द्विसम यानी जो हमारी दो साइड है वो इक्वल है, तो आप क्या लिखोगे, ए इक्वल टू बी बट सी डज नॉट इक्वल टू ठीक है बी। थर्ड हमारा ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक के हमारे कितनी पॉसिबल वेरिएशन हो सकती है हमारी, फोर, सिंपल क्यूबिक, एफसीसी, बीसीसी और एंड सेंटर। तो आप इसे फटाफट लिखोगे, फर्स्ट हमारी प्रिमिटिव, सेकंड आपकी बीसीसी, सभी आप नंबरिंग कर दीजिएगा, सेकंड आपकी बीसीसी, थर्ड आपकी एफसीसी और फोर्थ आपकी क्या होगी, एंड सेंटर क्यूबिक, यानी इसकी कितनी स्ट्रक्चर हमारी पॉसिबल है, फोर पॉसिबल है। अब इससे विषम लंबाक्ष मतलब, विषम मतलब कोई भी साइड हमारी इक्वल नहीं है, तो आप क्या लिखोगे, ए बी और सी डज नॉट इक्वल टू ईच अदर्स ठीक है। मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक में हमारी कितनी पॉसिबल होती है, सिर्फ हमारी दो पॉसिबल होती हैं, फर्स्ट हमारी क्या है, प्रिमिटिव। प्रिमिटिव तो सभी में कॉमन है, प्रिमिटिव तो सभी में होगी होगी, यानी कि प्रिमिटिव आप पढ़ चुके हो जिसमें कि हमारे कॉर्नर पर एटम्स प्रेजेंट होते हैं। तो फर्स्ट हमारी प्रिमिटिव हो गई और सेकंड जो है वो हमारी एंड सेंटर्ड क्यूबिक यानी ईसीसी ठीक है। इसमें आपको पता चला नया जो वर्ड आ जाए, यानी कि एक भी साइड हमारी इक्वल नहीं है, तो सिंपली आप क्या लिखोगे, ए बी और सी, तीनों ही साइड हमारी
दूसरे के इक्वल नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं हमारे त्रिनताक्ष। इसमें भी यही वर्ड आ रहा है त्रिनताक्ष, मतलब इसमें भी तीनों साइड हमारी अनइक्वल होंगी और इसकी कितनी पॉसिबल है, सिर्फ एक स्ट्रक्चर पॉसिबल है, तो वो हमारे क्या है, प्रिमिटिव है। तो आप इसका क्या बनाओगे, ए बी और सी तीनों ही अनइक्वल है, डज नॉट इक्वल टू ईच अदर। नेक्स्ट हमारी हेक्सागोनल। हेक्सागोनल तो आपको नेम से ही लर्न रहेगी, तो ये इतना डिफिकल्ट नहीं है, तो आप आराम से लर्न कर सकते हो हेक्सागोनल का। हेक्सागोनल में होती है हमारे कितनी पॉसिबल वेरिएशन हो सकते हैं, सिर्फ वन, इसमें भी प्रिमिटिव ही पॉसिबल है। और इसके जो एंगल होंगे वो आप लर्न कर लीजिएगा, ए और बी तो इक्वल है, लेकिन जो सी एज लेंथ है वो बी के इक्वल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, थ्री सम। नाम से ही पता चल रहा है, यानी थ्री सम मतलब तीनों साइड इक्वल। ठीक है, अनताक्ष मतलब एंगल जो है वो हमारे इक्वल नहीं होंगे, तो यानी कि इसमें हो सकता है पॉसिबल वैल्यू एक इक्वल ना हो, दो इक्वल हो हमारी, तो इसे आप नेक्स्ट हम इसे यही सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो इसको पहले इसमें भी कितनी हमारी पॉसिबल वैल्यू है, सिर्फ वन प्रिमिटिव। और साइड जो है वो हमारे तीनों ही क्या है, इक्वल है, तो ए इक्वल बी इक्वल सी, यानी जो तीनों एज लेंथ है वो हमारे एक्सल डिस्टेंस बोल सकते हो आप, वो तीनों ही हमारे इक्वल है। तो आप इसके हिंदी के वर्ड से फटाफट कर सकते हैं, एक बार फिर से क्विकली रिवीजन करते हैं। चलिए स्टार्ट। क्यूबिक मतलब घन्य, घन्य मतलब आपको सारी साइड हमारी क्या होती है, इक्वल होती है, इक्वल होंगी तो क्या होंगे, एज लेंथ जो होंगे वो हमारे इक्वल टू बी इक्वल टू सी होगा। टेट्रागोनल में आपका a इक्वल टू बी और b डज नॉट इक्वल टू सी, यानी कि जो हमारा a और b एज लेंथ है वो तो इक्वल होगी, लेकिन जो b और c है वो एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे। विषम लंबाक्ष मतलब कोई भी साइड हमारी इक्वल नहीं है, तो a डज नॉट इक्वल टू b डज नॉट इक्वल टू c। ठीक है, मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक मतलब एक नताक्ष, मतलब एक भी साइड इक्वल नहीं है। त्रिनताक्ष मतलब तीनों साइड हमारी अनइक्वल है। और षटकोणीय मतलब षटकोणीय का तो आपको डिफरेंट है, आपको लर्न करना पड़ेगा। और त्रिसमताक्ष का मतलब है तीनों साइड, त्रिसम मतलब तीनों साइड हमारी इक्वल है। ठीक है, तो जो ये त्रि और एक, विषम, सम, ये वर्ड आता है, सम का मतलब होगा हमारा समान, और द्यू हमारा इस नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ऐसे आप लर्न कर सकते हो। तो ऐसे आपने अब लर्न कर दिया, अब क्या लर्न करना स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट हमारा कैसे एक्सेल एंगल्स कैसे करना है। एक्सेल एंगल्स का, इसका आपको पता है क्यूबिक, क्यूबिक में क्यूब जैसे स्ट्रक्चर जैसे हमारी ये बनाई गई है, इसमें सारी साइड क्या होंगी हमारे इक्वल है, तो इसकी जो एंगल है वो हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, तो ये 90 डिग्री होगा एक दूसरे के, 90 डिग्री, तो ये हमारे क्या होंगे, आप क्या लिख सकते हो, ए और सी के बीच में कौन सा था हमारा एंगल, बीटा, बी सी के अल्फा, और बी ए के, बी सी के हमारा अल्फा, और बी और ए के बीच में हमारा गामा था। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, अल्फा, बीटा और गामा, तीनों में हमारे एंगल कितना है हमारा 90 डिग्री है, देख लीजिए, अल्फा, बीटा और हमारा गामा। इसके एग्जांपल है हमारे एनएसीएल, केसीएल, जिंक ब्लेंड, जिसको हम ZNS भी कहते हैं, और CU एक्सेट्रा। ठीक है, आपको लर्न करना पड़ेगा, एग्जांपल्स आपको लर्न होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा टेट्रागोनल है। टेट्रागोनल में आपको साइड पता चलती थी, साइड हमारी क्या थी, ए जो बी की साइड के इक्वल थी, और जो सी था वो हमारा, ए और बी तो इक्वल था, और जो सी था वो इक्वल नहीं है। और एंगल जो आपको लर्न करोगे, एंगल में आप कैसे लर्न करोगे, ये आपको तीन जो है स्टार्टिंग की, सी और फिर टी ओ, ये हमारा क्या है, सी और टी और ओ, ये तीनों ही हमारे क्या है एंगल, इसमें तीनों में इक्वल है, यानी 90 डिग्री है। तो आपके तीनों में फटाफट लिख दो, अल्फा, बीटा, गामा इक्वल टू 90 डिग्री, अल्फा, बीटा, गामा, तीनों एक्सेल एंगल हमारे 90 डिग्री है। टेट्रागोनल के एग्जांपल है आपके सामने, टेट्रागोनल के SNO2, TiO2 और CaSO4। ठीक है, ऑर्थोरोम्बिक एग्जांपल है आपके पास, KNO3,
K2SO4, barium sulfate, rhombic sulfur. ये आप एनसीईआरटी के एग्जाम्पल हैं, तो आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे, तो आप इन सबको लर्न करना ना भूलें. इन नीट के एग्जाम के लिए बोर्ड एग्जामिनेशन तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ आपको नीट, UPTU इन सब के एग्जाम में भी हेल्प करेगा. तो नेक्स्ट हमारा मोनोक्लिनिक था. प्रिमिटिव और ECC स्ट्रक्चर पॉसिबल है इसकी. एक्सेल एंड डिस्टेंस बता चुकी हूँ, आप इससे लर्न करना स्टार्ट करेंगे. एक भी हमारे इससे नताक्ष, मतलब एक भी हमारे जो है एक 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 साइड तो हमारी इक्वल होगी और जो नेक्स्ट होगी वो नहीं होगी. तो आप क्या लिख सकते हो, अल्फा और बी, अल्फा और गामा होते हैं इसमें. अल्फा और गामा 90 डिग्री है और जो बीटा है वो 90 डिग्री नहीं है. अल्फा और गामा 90 डिग्री है और जो बीटा है वो 90 डिग्री नहीं है, ठीक है. और इसके एग्जाम्पल है हमारे Na2SO4 .10H2O, ठीक है, या फिर फेरस सल्फेट और इसमें जो 7 हमारे वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है. नेक्स्ट हमारा ट्राइक्लिनिक. ट्राइक्लिनिक में आपको बता चुके हैं सारे जो एज लेंथेज होते हैं वो अनइक्वल होते हैं, ठीक है. और जो एंगल है वो आप कैसे लर्न करोगे, इसमें जो 3 नया वर्ड आ गया, यानी कि एक भी हमारे जो ऑक्सीजन है एक्सेल डिस्टेंस तो हमारे थे, लेकिन हमारे एंगल भी जो है वो हमारे अनइक्वल है. ये हमारा अनसिमेट्रिकल क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम होता है. सबसे ज्यादा अनसिमेट्रिकल जो है वो ट्राइक्लिनिक है, और सिमेट्रिकल जो काउंट करते हैं वो हमारा क्यूबिक होता है. तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा अनसिमेट्रिकल क्रिस्टल सिस्टम कौन सा है, तो आपका आंसर होगा ट्राइक्लिनिक, और सिमेट्रिकल जो होगा वो हमारा क्यूबिक होगा, ठीक है. तो आप क्या लिखोगे, अल्फा बीटा और गामा तीनों ही हमारे क्या है, अनइक्वल, यानी 90 डिग्री नहीं है, ठीक है. इसके एग्जांपल है आपके पास कॉपर सल्फेट CuSO4 .5H2O, बोरिक एसिड H3BO3, K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है. नेक्स्ट हमारा हेक्सागोनल. हेक्सागोनल में पॉसिबल वेरिएशन प्रिमिटिव, एक्सेल डिस्टेंस A=B लेकिन B≠C, ठीक है. एंगल आपका इससे आप लर्न कर लेना, ए और बी, यानी कि ये एंगल भी हमारे ए और बी इक्वल होंगे और कितने डिग्री होंगे हमारे, 90 डिग्री, लेकिन जो गामा होगा वो हमारा 120. इसके एग्जांपल ग्रेफाइट, CDS और ZNO. एग्जाम्पल है ग्रेफाइट, CDS और ZNO. लास्ट है हमारा रोम्बोहेड्रल. पॉसिबल वेरिएशन प्रिमिटिव, एक्सेल डिस्टेंस A=B=C, ठीक है. एंगल अल्फा इक्वल टू बीटा बट गामा डज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री. एग्जाम्पल कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट और HGS. कैल्शियम कैल्शियम वाले हमारे जो आएंगे वो हमारे रोम्बोहेड्रल में आएंगे. तो आपने कैसे पढ़ा, आपने पढ़ा शॉर्ट ट्रिक पढ़ी. पहले तो सबसे पहले क्रिस्टल सिस्टम लर्न करने की सी टोम टीचर, सी से क्यूबिक, टी से टेट्रागोनल, ओ से ऑर्थोरोम्बिक और एम से मोनोक्लिनिक, टी से ट्राइक्लिनिक, एच से हेक्सागोनल और आर से रोम्बोहेड्रल, ठीक है. पॉसिबल वेरिएशन लर्न करने का सिंपल आप ट्रिक लर्न कर लो. क्यूबिक मतलब थ्री वेरिएशन पॉसिबल है. टेट्रागोनल में आपके कितने हैं, टेट्रागोनल में आपकी टू, ऑर्थोरोम्बिक में 4 और मोनोक्लिनिक में 2 और जो लास्ट के 3 होंगे उसमें हमारे 1 1. तो आपके एक तरह से कोड याद कर लो, 3 2 4 2 1 1 1, ऐसे लर्न हो जाएगा, ठीक है. एक्सेल डिस्टेंस के लर्न करने की ट्रिक आपको बता चुकी हूँ, एक्सेल एंगल की बता चुकी हूँ. एग्जांपल्स आपको अपना मेमोराइज करने पड़ेंगे, वो आपको लर्न करना पड़ेगा. तो सी टोम टीचर एग्जाम्पल आप लर्न रखें,
ऐसे आप सेवन क्रिस्टल सिस्टम लर्न कर सकते हैं। थैंक यू।